हम कचौरी में पिएंगे नहीं पिएंगे, हम इसमें पिए हैं। खांदे पिंदे करके खांदे पिंदे रह गए ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लड्डू ने पे दीचा बना हुआ है भाई, तो बढ़िया चीज है। फिर खाने तो खा लिए। ले आ जाओ चाकू, दे उधर पड़ा था। डोरी डोरी काट दे, देखिए उधर पड़ा था। मम्मी यार डोरी काट दे, आज जो नारियल का लेके आए थे वो। राम राम जी सारे ने, आज के कोरोना फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाया करो, और चैनल पर आए जाओ तो चैनल ना सब्सक्राइबर भी कर लिया करो। और भाई मैं नहा ली, धोली, धूपबत्ती कर ली, पूजा पाठ सारा हो गया, खाना नुआ दिया, और ईब और मशीन लगा रखी है। एक बार रोटी बनाई दी, सब्जी बनाई दी, ईब एक बार और रोटी बनाऊंगी, काम पूछो ना। और भाई मेरा होने लग रहा है दूध गर्म, मैं आई थी मैं खाली कभी वो जी, और साथ में तिंड सी देखो काटड बड़ी। और विदा था गुगा गुगा के हमें जाए थे पतासे और नारियल, और पतासे खाने का बहुत बढ़िया मन करया गया। कौन कौन खाया करा पतासे? गाइस मेरे मम्मी देखो सारा दिन खाती पीती रहती है, रसोई में ही खड़ी रहती है, खाना पीना करती है बस बस बस। भाई चाय दे, मेरी मम्मी की कटोरी में पियोगी और मैं कप में। खाना पीना करके तो खांदे रह गए सारा दिन। हम कचौरी में पिएंगे नहीं पिएंगे, हम इसमें पिए हैं। खाना पीना करके खांदे पीते रह गए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लड्डू ने पे दीचा यादी। और भाई देखो 3:30 हो गए हैं, मैं जाऊं दुकान में। नन्नी भी आके 8:30 का टाइम हो रहा, 9 बजने वाला है। और मेरे पापा डेली काकड़िया उठा लिया। डेली तो है, मम्मी तोरी ना बनावे डोरी काट दे, मम्मी यार डोरी काट दे, आज जो नारियल का लेके आए थे वो। चाकू टूट जाएगा, कौन टूटे? कबूतर जो क्यों कर रहे हैं? कबूतर है अम्मा। रुक लोग भाई लोग, ये देख रहा है टीवी, ये हीरो देख रहा है टीवी। और गाइस उधर हमारे लड्डू बैठे हैं, मेरे मम्मी भी रोटी खिला देगी लड्डू को। मम्मी लड्डू ने रोटी खिला दियो, पता डांस कर दी एनू पढ़ दे चलू काले पत डांस कर दी। भाई साहब इंस्टाग्राम पे गाना चल रहा है। गाइस हम आपको तुम्बा दिखाते हैं, आपने तो कभी देखा नहीं होगा, इसे काजल बनती है। गाइस मेरी मम्मी प्योर काजल बनाती है घर पे।
गाइस अब धीरे धीरे ठंड होनी स्टार्ट हो चुकी है धीरे धीरे, यहाँ दार में बारिश जैसा मौसम हो जाता है तो लगता है बारिश आएगी तो उसके कारण क्या होता है ठंडा मौसम हो जाता है। और आज तो ठंड भी है फिर भी मैं एसी चला रही हूँ क्योंकि मतलब अजीब सा लगता है अभी तो थोड़ा सा है ठीक है, फिर धीरे धीरे करके एसी बंद हो जाएगी, लोग पंखे में सोएंगे, फिर बंद हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके पंखा चलेगा, फिर कूलर चलेगा, फिर एसी चलेगी और फिर वापस पंखा। दुनिया में लोगों को इसी पे जीना है। गाइस मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड। सो आज का ब्लॉग सुनते प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो मिलते हैं आज ब्लॉग में, बाय।